नमस्कार, आप देख रहे हैं बिहारी न्यूज और मैं हूं यति आपके साथ। एक तरफ जहां केंद्र सरकार द्वारा बिहार के भिन्न भिन्न राज्यों से अनेकों ट्रेनों का परिचालन शुरू करवाया गया था ताकि प्रदेश से छठ पूजा मनाने आए लोगों की वापसी में किसी भी तरीके की दिक्कत ना हो। छठ के उपरांत यात्रियों की अतिरिक्त भीड़ को देखते हुए पूर्व मध्य रेलवे द्वारा इस परिचालन की शुरुआत करवाई गई थी। इसी बीच एक खबर ये भी आ रही है कि उत्तर बिहार से गुजरने वाली कई ट्रेनों का रास्ता बदला जा सकता है, जिसमें मुजफ्फरपुर समेत उत्तर बिहार से गुजरने वाली 6 ट्रेनों के मार्ग में बदलाव किया गया है। देश भर में रेलवे ट्रेनों की गति बढ़ाने के लिए लगातार पुरानी रेल लाइन व स्लीपर बदलकर तेज़ गति से ट्रेनों को चलाने के लिए नई रेल लाइन व स्लीपर डालने का काम शुरू हो चुका है। रेलवे विभाग द्वारा इसी योजना को बढ़ावा देते हुए अब बिहार ने भी इसकी तैयारी शुरू कर दी है। इस योजना के तहत रेलवे ने रेल ट्रैक की बाधा दूर करने के लिए जिम्मा इंडियन रेलवे कंस्ट्रक्शन ऑर्गेनाइजेशन यानी इरकॉन को सौंपा है। इससे कम समय में बाधा को दूर कर तेज गति से ट्रेनों का संचालन किया जा सकेगा। इंडियन रेलवे कंस्ट्रक्शन के सहयोग से मुजफ्फरपुर समेत उत्तर बिहार से गुजरने वाले 6 ट्रेनों के मार्ग में बदलाव किया गया है। इसको लेकर पूर्व मध्य रेल के मुख्य जनसंपर्क अधिकारी ने जानकारी देते हुए कहा कि पश्चिम मध्य रेलवे से मालखेड़ा रेलवे स्टेशन तक NI कार के कारण 3 जोड़ी ट्रेनों का परिचालन परिवर्तित मार्ग से किया जाएगा। इस दौरान यह ट्रेन बिना स्टेशन छोड़े परिवर्तित मार्ग आगसोद महादेवखेड़ी आगसोद कॉर्ड लाइन के रास्ते परिचालित की जाएगी। जिन ट्रेनों के परिचालन मार्ग का परिवर्तित किया गया है उन ट्रेनों की गाड़ी संख्या 19053 सूरत मुजफ्फरपुर एक्सप्रेस, जो कि दिनांक 11 नवंबर एवं 18 नवंबर को सूरत से खुलने वाली है। वहीं गाड़ी संख्या 19054 मुजफ्फरपुर सूरत एक्सप्रेस दिनांक 13 नवंबर को मुजफ्फरपुर से खुलने वाली है। गाड़ी संख्या 19165 अहमदाबाद दरभंगा साबरमती एक्सप्रेस 11 नवंबर के साथ 13 नवंबर एवं 16 नवंबर को अहमदाबाद से खुलेगी। वहीं गाड़ी संख्या 19165 अहमदाबाद दरभंगा साबरमती एक्सप्रेस, जो कि 11, 13 एवं 16 नवंबर को अहमदाबाद से खुलने वाली है। इसी के साथ गाड़ी संख्या 19166 दरभंगा अहमदाबाद साबरमती एक्सप्रेस, जो कि 12, 14 एवं 16 नवंबर को दरभंगा से खुलने वाली है। गाड़ी संख्या 09465 अहमदाबाद दरभंगा स्पेशल 11 नवंबर को अहमदाबाद से खुलने वाली है। वहीं गाड़ी संख्या 09466 दरभंगा अहमदाबाद स्पेशल 14 नवंबर को दरभंगा से खुलने वाली है। फिलहाल इस खबर में इतना ही। धन्यवाद।